जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन एंड देयर यूज़। लास्ट लेक्चर में हमने वैक्सीन समझा, वैक्सीनेशन एंड हाउ वैक्सीनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इम्यूनाइजेशन। नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन। नाउ वैक्सीन्स, एज यू ऑल नो, दे आर द सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन to protect against disease, that means they induces immunity, that we have already discussed. Now vaccines जो हैं वो basically दो types की होती हैं, एक whole agent vaccine, एक subunit. Okay, now whole agent vaccine जो है they are whole non-virulent microorganism. Okay, ये जो है non-virulent means ये infection means they do not affect the body, body पे ये कुछ भी हार्म नहीं कॉज करती हैं, नॉन वायरुलेंट होती हैं। नाउ अब ये भी जो है इनएक्टिव इनएक्टिवेटेड हो सकती हैं एंड एट्यूनिएटेड हो सकती हैं। इनएक्टिवेटेड माने होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड यूजिंग फॉर्मलिन एंड प्रेजेंट नो रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड कर दिया जाता है पूरी तरीके से। एटीन्यूएटेड मीन्स होता है कि ये जो हैं ये वैक्सीन जो हैं ये लाइफ होती हैं पर ये वीक होती हैं, मीन्स जो है वीक होते हैं, बट इट इट डज नॉट कॉज डिजीज बट देयर इज सम रिस्क। ठीक है, वीक होते हैं, सो डीएनए म्यूटेशन हैव एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म सेल कल्चर बट देयर इज अ रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज। ओके, तो यहाँ पे एटीन्यूएटेड क्योंकि ये वीकेंड होती हैं, ये पूरी तरह किल्ड नहीं है, तो यहाँ जो है ये डिजीज कॉज कर सकती हैं, देयर आर चांसेस। ठीक है, चांसेस हैं क्योंकि ये जो हैं दे कंटेन द लाइव ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल एमएमआर वैक्सीन। नाउ सब यूनिट वैक्सीन में, सब यूनिट वैक्सीन जो होती है इसमें जो है अ पार्ट इज टेकन। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, पार्ट या प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लिया जाता है, होल एजेंट में पूरा इसमें उसका कुछ पार्ट लिया जाता है, और पार्ट वो कौन सा लिया जाता है जो कि डिजीज ना कॉज करे। ओके, दैट इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन। एडजुवेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द पैथोजन, सेफर देन एट्यूनिएटेड वैक्सीन, नो रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज। ओके, ये जो है एटीन्यूएटेड से सेफ होती हैं क्योंकि इसमें वो पार्ट लिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिससे कि बॉडी को हार्म ना हो। ठीक है, तो इसमें डिजीज़ होने का चांस बिल्कुल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें, ओके, हेपेटाइटिस जो है दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ दिस डिजीज़। नाउ लेट्स सी इन डिटेल एटीन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन यूज लिविंग बट वीकेंड माइक्रोब्स। एटीन्यूएटेड माने होता है वीक, लिविंग होते हैं यहाँ पे, वीक होते हैं पर। एग्जाम्पल ऑफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन आर सेबिन पोलियो वैक्सीन एंड दोज यूज अगेंस्ट मीजल्स मम्स रिबेला। ओके, द वाइडली यूज वैक्सीन अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस एंड सर्टेन ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस ओरली एडमिनिस्टर्ड टाइफॉइड वैक्सीन कंटेन एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया। तो सिंपली आपको ये याद रखना है एटीन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन में लिविंग लिविंग पैथोजन यूज़ करते हैं पर वीक होता है वो। ओके, वीक होता है और इसका एग्जाम्पल है एमएमआर, दैट इज़ मीजल्स मम्प एंड रुबेला, जो एमएमआर वैक्सीन होती है दैट इज़ द एग्जाम्पल। इनएक्टिवेटेड होल एजेंट मीन्स यहाँ पे माइक्रोब किल्ड होगा पूरा। ओके, और ये जो है इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन यूज्ड इन ह्यूमन इंक्लूड दोज अगेंस्ट रेबीज इन्फ्लुएंजा पोलियो, ये इसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। ओके, सो हेयर जो माइक्रोब्स है किल्ड होता है तो चांस ऑफ गेटिंग डिजीज इज निल। टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? सम डिजीजेज लाइक डिप्थेरिया एंड टिटेनस। ठीक है, इट इज़ नॉट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज डेंजरस। कुछ में क्या होता है बेटा कि टॉक्सॉइड्स मीन्स होता है टॉक्सिन से वर्ड आया है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जिनके लिए बैक्टीरियल ग्रोथ डेंजरस नहीं होती है पर वो कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जिसकी वजह से वो डिजीज़ कॉज करते हैं, तो इन्हीं टॉक्सिन को ट्रीट किया जाता है टॉक्सॉइड से,
ओके. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड, इट डीनेचर्स द प्रोटीन सो दैट इट इज़ नो लॉन्गर डेंजरस. तो फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल है जिससे इसको ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डीनेचर हो जाता है. ओके. एंड दीज टॉक्सिक टॉक्सॉइड्स दे प्रिव्यूड दे प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो बट रिमेन्स ओके. यस, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि टॉक्सॉइड्स जो हैं दे आर द केमिकल्स विच इज़ यूज अगेंस्ट द डिजीज डिप्थेरिया या टिटनेस, बिकॉज हेयर माइक्रो ग्रोथ ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट डेंजरस बट द प्रोटीन विच इज़ रिलीज्ड बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ डेंजरस. सो दैट प्रोटीन नीड्स टू बी डीनेचर्ड. ओके. एंड दिस इज डन बाय अ केमिकल फॉर्मेल्डिहाइड. नाउ नेक्स्ट इज सब यूनिट वैक्सीन्स. सब यूनिट वैक्सीन्स जो हैं इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर्म एक्सट्रैक्टेड सेल फ्रैक्शन. मीन्स इसमें कुछ पार्ट लिया जाता है. ओके. द पार्ट विच बेस्ट स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स. द सब यूनिट वैक्सीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक. ओके. तो यहाँ पे कुछ मॉडिफाई किया जाता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. ओके. एंड देन अदर माइक्रोब्स आर प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड एंटीजन फ्रैक्शन दैट आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स. फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन अगेंस्ट हिपेटाइटिस बी कंसिस्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ वायरल प्रोटीन कोड दैट इज प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ईस्ट. ओके. तो यहाँ पे जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको बेटा उसको मॉडिफाई किया जाता है और उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ जो है बॉडी प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे वही पार्ट लेते हैं, वो फ्रेगमेंट लेते हैं जो कि अच्छे से स्टिमुलेट कर सके इम्यून रिस्पॉन्स. ओके. एंड देन इट प्रोवाइड्स द इम्यून रिस्पॉन्स. एग्जाम्पल है इसका हेपेटाइटिस बी. नाउ नेक्स्ट इज कॉन्जुगेटेड वैक्सीन. कॉन्जुगेट एज द नेम सजेस्ट कि इसमें जो है डिफरेंट जो है मोर देन वन पैथोजन, आप कह सकते हो एक से ज़्यादा पैथोजन भी इसमें यूज़ किए जाते हैं. कॉन्जुगेटेड वैक्सीन हैव बीन डेवलप्ड इन रीसेंट ईयर्स टू डील विद पुअर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ चिल्ड्रेन. द पॉलीसेकेराइड्स आर कंबाइंड विद प्रोटीन्स सच एज डिप्थेरिया टॉक्सॉइड्स. दिस अप्रोच हैज़ लेड टू वेरी सक्सेसफुल वैक्सीन फॉर हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजा टाइप बी विच गेव सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन. टू कॉन्जुगेट मीन्स होता है कि दो वैक्सीन्स के अफेक्ट को मिला देना. ओके. और फिर वो बॉडी में इनोकुलेट किया जाता है जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट होता है वो मीन्स एक वैक्सीन जो होती है वो एक से ज़्यादा डिजीज़ पे इफ़ेक्टिव हो सकती है बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन वन माइक्रो या वन पैथोजन. ठीक है. और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है एंड इट प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन फ्रॉम मैनी डिजीजेज. ये बेसिकली चिल्ड्रेन में ही ये यूज़ भी की जाती है, जैसे DPT का टीका है एक. ठीक है. MMR है. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जिसमें एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक से ज़्यादा पैथोजन्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इनोकुलेट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन. सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन. थैंक यू एवरीबडी.